25,000 रुपए का तेल भाई 3 से 4 दिन के अंदर लग गया भाई, ये बहुत बड़ी बात है। फिर भाई बैंक के पीछे भागते रहोगे यार, हमें रिफंड चाहिए हमारा, हमारे 2 बार पैसे गए थे, साबित करते रहो, स्टेटमेंट दिखाते रहो। 10,080 रुपए का टाइगून का टैंक फुल हमें पड़ा, और वो भी एक्सपी, मतलब जो नॉर्मल पेट्रोल होता है, XP 95 नहीं, नॉर्मल जो पेट्रोल होता है। कह रहे थे हम आपको जाने नहीं देंगे जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे। हम कह रहे थे भाई हम दूसरी बार क्यों करें, आप देख सकते हो बैंक जो है पैसे पे हो चुके हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे, मेरा नाम है दक्ष और आज मैं रखूंगा अपना पक्ष। तो दोस्तों आज की वीडियो में भाई आपको मैं बताऊंगा कि हमने हमारा कैसे जो है 2 से 3 दिन के अंदर जो है 20,000 रुपए का तेल लग गया। भाई क्या आप लोग मान सकते हो, अगर मैं आपको बोलूं 3 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर जो है 20,000 का तेल लग चुका है। तो आइए कैसे क्यों क्या सब कुछ जो है आपको गाड़ी के अंदर चल के बताता हूँ। आ गए भाई टाइगून के अंदर 20,000 रुपए का तेल, आपको भी मैं सब बताऊंगा, कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा, एंड कैसे पेट्रोल पंप पे हमारे साथ क्या कांड हुआ वो भी मैं आपको जो है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। भाई सबसे पहले तो सांस ही नहीं आ रही, इतनी गर्म हो रही है गाड़ी, इसकी सनरूफ खोलो। ओ भाई बहुत ही गर्मी है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जो है इसमें आया। देखो अभी है हम शिरडी में, हम दिल्ली से चले थे तो काफी लंबा रूट था, काफी ज्यादा तेल लगा। तो जब हम पहली बार चले थे शिरडी से, मतलब जब हम दिल्ली से शिरडी के लिए निकले आगरा से होते हुए, लगभग 1,250 किलोमीटर का ट्रिप था। तो अब इन 1,250 किलोमीटर में हमें हमारा कितना तेल लगा, कैसे जो पेट्रोल पंप पे भी मैं बात कर रहा था वो भी बताऊंगा। ये देखो भाई रिमाइंडर भी देती है, ऑयल चेंज सर्विस का भी आया था स्टार्ट होना। ये देखो अभी 720 की रेंज दिखा रही है ये, एंड 9 की माइलेज। तो ये देखो आपको मैं इसकी माइलेज दिखाता हूँ सबसे पहले। तो ये देखो दोस्तों 9 की माइलेज दे रही है ये इस समय हमें, 21 किलोमीटर तो खैर आसपास का है जो हम यहाँ पे शिरडी में लोकल गए थे। सिंस रिफ्यूल मैं आपको दिखाता हूँ कितनी दे रही है। अच्छा रिफ्यूल भी हमने उसी टाइम कराया था, अब लॉन्ग टर्म पे आ जाते हैं बात, गेम जो मेन आती है देखो 1200 किलोमीटर 19 घंटे में हमने तय करा, 65 किलोमीटर की एवरेज स्पीड रही, 16 की इसने माइलेज दिया बिकॉज गाड़ी हमने काफी भगा दी थी क्योंकि जल्दी पहुंचना था थोड़ा। तो भाई अब मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि कितना तेल लगा। ये देखो जब हम दिल्ली से चले थे तो इसमें जो है, जब हम दिल्ली से चल रहे थे तो इसमें लगभग 130 किलोमीटर की रेंज दिखा रही थी और अराउंड 10 की माइलेज थी। तो हम उस कैलकुलेशन के हिसाब से मान के चलते हैं कि इसमें 1300 रुपये का पेट्रोल जो है ऑलरेडी था। तो उसके बाद हमने जो टैंक इसका फुल कराया जब इसमें 1300 किलोमीटर का था, तो हमने 4200 रुपये का इसका टैंक फुल करवाया दिल्ली से XP 95। 4200 रुपये का जो है इसमें टैंक फुल हुआ दिल्ली से। ये देखो मैंने आपको, मैंने स्लिप तो मेरे पास नहीं है लेकिन मैंने, हमने नोट करा था ट्रिप पे निकलने से पहले कि कितना पेट्रोल का खर्चा आ रहा है। उसके बाद जब सेकंड फ्यूल हमने करवाया तो हमने 700 रुपये का भरवाया, हमने हाईवे पे बीच में कहीं से जो है भरवा लिया था जब तेल कम हुआ। उसके बाद तीसरा फ्यूल हमने भरवाया था, ये हमने इंदौर के आसपास भरवाया था, टैंक लगभग ख़त्म ही हो गया था, 50 की रेंज दिखा रहा था। तो जब इंदौर से हमने टैंक फुल करवाया तो इसकी रेंज, तो कितने का टैंक फुल हुआ था ये देखो मैंने लिखा हुआ है, 5040 रुपये का, 5040 रुपये का जो है टैंक फुल हुआ था इंदौर से। एंड भाई यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे कांड हुआ, इंदौर के कोई पेट्रोल पंप था तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैंने अपने कार्ड से जो है पेमेंट करी, हुआ क्या मैंने वो पिन डाला, मेरे अकाउंट से पैसे कट गए। एंड जब मेरे अकाउंट से पैसे कट गए तो उनकी तरफ से वो दिखा रहा पेमेंट फेल हो चुकी है, वो कह रहे सर पेमेंट फेल हो गई आपको फिर पेमेंट करनी पड़ेगी। एंड मेरे अकाउंट से जो, मतलब SBI का भी ऐप होता है या जो एक बैंक मैसेज भेजता है, वो मेरे पास मैसेज आ गया था कि जो है आपके पैसे कट चुके हैं। तो भाई हम वहाँ पे लड़ना शुरू हो गया, मैं क्यों पैसे दूं जब मेरे पैसे कट चुके हैं। वो कह रहा था आपको देने पड़ेंगे, हमारी तरफ से पेमेंट फेल है। मैंने कहा मैं स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ बैंक का जो मैसेज आया, तो वो मानने को तैयार ही नहीं थे। मैं यहाँ पे स्क्रीन में आपको दिखा दूंगा कि कैसे 547 पे जो है हमारे, मेरे 5040 रुपये कटे SBI अपने कार्ड से। ये आप देख सकते हैं बैंक का स्टेटमेंट कि पूरा प्रॉपर पैसे कट चुके हैं। उसको कह रहे थे भाई पेमेंट फेल हो चुकी है, पेमेंट फेल हो चुकी है भाई। इस चक्कर में बहुत जो है टाइम भी वेस्ट हुआ हमारा वहाँ पे, एंड बहुत सिर खपाई भी हुई। कह रहे थे हम आपको जाने नहीं देंगे जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे। हम कह रहे थे भाई हम दूसरी बार क्यों करें, आप देख सकते हो बैंक जो है पैसे पे हो चुके हैं। उसके बाद भाई फिर किसी तरह बात हुई, हम लेट वगैरह हो रहे थे तो हमने कहा यार जल्दी भी पहुंचना है, बहुत दूर है सफ़र और फालतू में लेट होएंगे। हमने क्या करा फिर भाई, मैंने दोबारा जो है गूगल पे से उन्हें पे कर दिया, दोबारा जो है 5040 रुपये कटा। ये देख सकते हैं गूगल पे की भी स्टेटमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आ रही होगी, गूगल पे से भी जो है भाई 5040 रुपये कटे, यानी 10,080 रुपए का टाइगून का टैंक फुल हमें पड़ा, और वो भी XP, मतलब जो नॉर्मल पेट्रोल होता है, XP 95 नहीं, नॉर्मल जो पेट्रोल होता है ऑक्टेन का, 10,040 रुपए का, 108 रुपए का पेट्रोल था वहाँ पे, इंदौर के आसपास की जगह थी, 10,040 रुपए 80 रुपए का, 10,080 रुपए का टाइगून का टैंक फुल पड़ा हमें
भाई तेरा मोटा टीका लग गया। हम उन्हें कह रहे थे कि भाई पैसे कट चुके, वो कहते सर रिफंड आ जाएगा बैंक से। अब भाई होता क्या, रिफंड तो देखो आ ही जाएगा, लेकिन यार इतना सिर खपाई, इतना लंबा प्रोसेस है ना ये। एक बार हमने पैसे निकलवाए थे SBI के अकाउंट से भाई, तो कोई एरर आ गया था, ATM से निकलवाए थे, कोई एरर आ गया था, पैसे निकले नहीं थे लेकिन वो शो कर रहा था कट गए थे। तो पैसा आते आते भाई एक महीना लग गया था रिफंड आते आते, एक महीना। और उसमें भी हमने 2-3 बैंक के चक्कर लगाए थे यार, पैसे क्यों नहीं आए। यानी इतना लंबा प्रोसेस होता है ये। और ये पेट्रोल पंप वाले भाई, अब 100 का पेट्रोल डलवाओ 97 रुपीज़ दो, तो 3 रुपये के लिए आपको जाने नहीं देंगे ये। और यहाँ पे भाई कस्टमर के 5,040 रुपये कट गए हैं, तो ये कस्टमर को जा फिर नहीं जाने दे रहे कि हमें पैसे नहीं मिले। तो पहले इस गाड़ी में था 1,300 रुपये का पेट्रोल, उसके बाद 4,200 रुपये का तेल डला, के बाद हमने 700 रुपये का तेल कहीं से डलवाया, उसके बाद इसमें जो है वही 5,040 रुपये का तेल डला इंदौर से, उसके बाद जो है हमने यहीं पे शिरडी में इसमें तेल डलवाया था। कितने का डला था वो, 3,008 रुपये का डला था नॉर्मल पेट्रोल, 3,008। एंड अगर मैं वही जो मेरे पेमेंट दो बार कट गया, अगर मैं उसको भी ऐड कर लूँ 5,040 मैंने फिर 19,300 रुपये का पेट्रोल जो है लगभग लगा। भाई कितना महंगा है ये एक बार सोच के देखो, 19,300 लगभग 20,000 रुपये का पेट्रोल। एंड हम दिल्ली से निकले थे थर्सडे सुबह हमने पेट्रोल डलवाया था XP 95, थर्सडे सुबह हम निकले थे। एंड सैटरडे को जो है हम शिरडी पहुंच गए थे, एक ही दिन में पहुंच गए थे, 18 घंटे हमने ट्रैवल करा था गाड़ी में। मतलब भाई दो से तीन दिन के अंदर जो है 20,000 रुपये का पेट्रोल लग गया, जिसमें से भाई पेट्रोल पंप पे जो मेरे पैसे कटे थे उसका रिफंड मुझे अभी तक नहीं आया। ये आप देख सकते हैं गूगल पे से पैसे कटे हैं, फिर डेबिट कार्ड से अलग कटे हैं, दो बार पैसे कटे हैं, रिफंड जो है अभी तक नहीं आया जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद नहीं है मुझे जल्दी आएगा, देखो आ तो जाएगा लेकिन यार इतना लंबा प्रोसेस। यही अगर उनके साथ ऐसा हुआ होता तो भाई वो तो छोड़ते ही नहीं बंदे को। भाई साहब कितनी बड़ी हेरा फेरी है ये, खुद जो है तुम 2 रुपये कम नहीं करते पेट्रोल पे, और यहाँ पे कस्टमर ने 2 बार पे कर दिया, टैंक फुल का 2 बार पे कर दिया, उसके बाद भी जो है भाई अभी तक रिफंड नहीं आया है। 108 रुपये का वहाँ पे पेट्रोल था, वो भी नॉर्मल वाला। तो मतलब भाई कितनी बड़ी हेरा फेरी है ये, इसमें अब तुम बैंक की गलती कह लो या कुछ भी गलती कह लो, जबकि पैसे तो कट ही गए थे। उनके वहाँ पे पेमेंट फेल दिखा रहा था, पता नहीं भाई ये उनका मशीन का स्कैम था या फिर ये कोई बैंक का एरर था, भाई ये तो वो ही जाने, ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन भाई हमारे तो 2 बार पैसे कट गए ना, ऐसा क्यों हुआ भाई मुझे नहीं पता। माइलेज मैं इसकी आपको दिखाऊँ, अगर अभी मैंने आपको दिखाया ही था, अभी ये अच्छी खासी रेंज दे रही है। गाना बंद हो यार, ये देखो अभी ये 720 की रेंज दिखा रही है, 1200 ये देखो इतनी चली है, लेकिन अभी हमें इतना ही लगभग और चलना है, बल्कि मैं कहूँगा इससे ज़्यादा ही और चलना है। आएंगे तो लगभग 1700 किलोमीटर 1500 किलोमीटर गाड़ी और चलनी है। तो भाई यही है इसकी माइलेज, इसने तो भाई यही थी इसकी माइलेज। माइलेज तो देखो इसे ठीक दे दी, जब हम 80-90 पैसे चला रहे थे तो ये हमें 20-21 की माइलेज दे रही थी, विद एसी ऑन, विद 4 लोग, डिक्की फुल थी। एंड जब हमने इसकी स्पीड खींची 120 प्लस इसे लेकर गया, तो इसकी माइलेज जो है गिर गई 15-16 पे आ गई। एंड ओवरऑल इसने यही निकाली 16.1। अब भाई जब ये पेट्रोल पंप का कांड हुआ ना, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया, उसका कारण क्या था, सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई थी कि वीडियो बन नहीं पाई उस टाइम पे। एक तो हमें समझ नहीं आ रहा था, हम इतना थक गए थे ट्रैवल कर करके, बस हमें लग रहा था यार कि क्या मुसीबत हो गई है, 2 बार पैसे कट गए हैं, ये क्या कलेश डाल रहे हैं लोग की पेमेंट फेल है, उस टाइम पे दिमाग काम ही नहीं करा। लेकिन जब हम आ गए यहाँ पे, फ्रेश हुए, थोड़ा दिमाग खुला, उसके बाद मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना के आपको बताता हूँ भाई ये पेट्रोल पंप पे, भाई ये स्कैम किसी के साथ भी हो सकता है। देखो सेफ प्ले तो यही रहता है कि अगर आप पेट्रोल पंप पे जाके पे कर रहे हो तो या तो आप गूगल पे से पे करो या फिर जो है आप कैश दो। अब कैश हर कोई इतना कैरी नहीं करता, हर बंदा कार्ड से ही करता है, लेकिन भाई कार्ड में ये स्कैम हो सकता है। मतलब स्कैम क्या, ये एरर आ सकता है, वैसे जो भी कह लो, स्कैम कह लो, एरर कह लो, कि आपको क्या पता आप टैंक फुल करवाओ, पेमेंट फेल हो जाए, तो भाई आपको 2 बार पैसे देने पड़ेंगे, जैसा मेरे साथ हुआ। फिर भाई बैंक के पीछे भागते रहो कि यार हमें रिफंड चाहिए, हमारे 2 बार पैसे गए थे, साबित करते रहो, स्टेटमेंट दिखाते रहो पेमेंट फेल्ड की, भाई मेरे पैसे तो अभी तक नहीं आए हैं। तो यही है भाई, बस कोशिश करो जब भी कहीं दूर जा रहे हो या जब भी पेट्रोल भरवा रहे हो, या तो कैश से भरो या गूगल पे से भरो, एंड उसमें पेमेंट फेल्ड की चांसेस कम होते हैं। अगर पेमेंट फेल्ड होती है गूगल पे में, तो वो आपके एंड से होएगा और पैसे नहीं कटेंगे अकाउंट में। कार्ड में क्या होता है, उनके एंड से पेमेंट फेल होती है एंड पैसे भी कट जाते हैं कई बार, जो मेरे साथ हुआ है। तो भाई कोशिश करो जब भी पेट्रोल भरवाओ कैश या फिर गूगल पे, वरना यार अवॉइड ही करो। तो यही थी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच। इतने हज़ार का इसमें तेल लग गया, ये लग गया 20,000 का। अगर मैं 20,000 में से जो है ये 5,040 जो है लेस कर दूं, जितना मैंने आपको बताया, तो तेल जो है 14-15 हज़ार का ही लगा है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अभी जो हमें दिल्ली जाना है, मेरे ख्याल से इसमें जो है एक टैंक फुल और होएगा, तो आप मान लो 20-25 हज़ार का तेल तो सही में लग ही गया, क्योंकि बहुत लंबा ट्रिप है, लगभग 3,000 किलोमीटर का राउंड ट्रिप है ये दिल्ली से। 25,000 रुपये का तेल भाई 3 से 4 दिन के अंदर लग गया भाई, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन भाई जो भी कहो भाई, स्वाद बढ़ाया इस गाड़ी को हाईवे पे चलाने का। आपने वीडियो देखी होगी कि हाईवे का मैं ड्राइव रिव्यू लाया था यमुना एक्सप्रेसवे पे,
भाई मजा आ गया था, भगाते हुए लेकर गए थे गाड़ी को, स्वाद आ गया था। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, इस बात का जरूर ध्यान रखें।